ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤਕਰੀਬਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਕਾਓ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਜਸ ਕੀਰਤਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
बहुत समय ने सनातन धर्म की होरना धर्मों की शब्दावली जो वोकैबलरी वरती है उस जस किया उसे मनुखों जीवन की जान सिखाई। जिंदगी दे विच बहुत सारे साढ़े उतरा चढ़ा आते हैं दुख सुख आते हैं तो उन्होंने सिख ने अपना किस तरह रोल अदा करना है, सिख ने अपने उपर आए दुखों अपने उपर आए कष्टों उसने इसका निशाना सतगुरु के काम करना है। जदों सतगुरु की बाणी असी सुप्रीम मानते हैं सतगुरु की बाणी सर्वोत्तम मानते हैं तो मेरे सतगुरु पातशाह जी वो परपज भी दसते हैं प्राणी तू आया काम लैंड इस जन्म के सब तो वड्डी प्राप्ति है बंदे के लिए कि परमात्मा के लीन हो जाना परमात्मा के समा जाना तो उस रूप हो जाना। नवे पातशाह जी के सरोह तकरीबन आप हर समागम के उत्ते भोगते समय सफल करते हैं जिन्होंने भी गुरु नवे पातशाह जी इस परपज में इस मकसद को एक सरोह के जागते हैं पांच कारको तम रजे हो जानो चपक सजान कहते हैं बनो कहते पांच तत्व कहते अगर नजरिए मनुख ने सैंस बड़ी तरक्की की है अपने शुभ सदाई बहुत जे मनुख क्रिटिकल नजरिए गुरु रामदास जी महाराज की मान करते हैं कि शरीर जग में आया दूसरे अगे मरकज नक्त करते कहते ये शरीर आगे तू दुनिया में जाके अपने आप सफल होते नहीं परमात्मा के साथ रहने के लिए जन्म होता क्यों इस पासे तेरे मन ने तेरे अंदर ने हामी भरी जे भरी है सब पाशा कहते अपने एजुकेशन के बहुत बड़ी तरक्की की है इस तरह भक्तों ने संतान ने गुरुआ ने कोई खोज की है नाम की नाम की खोज के राही दस है कि जीत एक नाम प्रमाण करते हैं कहते जो इस शरीर की गल करते हैं ना कहते भी कुछ नोट करके देखना जो आ शरीर की गल करते हैं जो आप देरी मनी बैठे हैं किसी को सारा कुछ मनी बैठे हैं तो गुरबाणी हीरे जैसा ने बुनियादी दे जी ने बुनियादी सारा रबी गुरबाणी के दिन ला के सू सारे भक्त भुलेखे जोड़ दिता। मैं कई बार सोचता हूं कि जो मनुख
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਐਸੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੋਚ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜੋ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੱਢਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਈ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
कहा नानक ते मुखी उजले ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ
दुनिया से चोना
बड़िया होंगे लेकिन इस राजनीति के क्षेत्र में जो मैं महसूस करता जो देखिए सब लोग जो भाईचारे की जो होंगे जी सकल जी नरेंद्र सिंह होनी लगातार पंद्रह बजे इस मार्ग के बहुत ही मशहूर के वे नजर से सरपंच रहे सेवा की होती और उस दौरान उन्होंने पंद्रह साल के दौरान उन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की इस पिंड की डेवलपमेंट करा इस पिंड के अमन शांति बहाल रखना सारे फैसले कोशिश करके पिंड वेड़ के माड़े न पीता इस तरह की सोच ने बड़ी मुश्किल से होता है चलन गड्डी का वक्त उसको समझने वाला उसको देखने वाला कीमत पाने वाला बहुत मुश्किल ना करता इस समाज में करके समझे इस समाज की कमियां कमजोरिया पिछले व्यक्ति ने समझा तो बहुत समय में चल रहा सकता है तो सरपंच साहब का नजर सिंह हो जाएगा मतना पैना लेकिन एक गल तारक भाई थी कि जो कोई व्यक्ति चला जाता है उन्हें जाने के बाद जो गल होंगे मन दुखी होंगे लेकिन मैं ये गल कह सकता कि तार साहब साहब ने कहते कि उन्होंने गल होया करेगी उन्होंने परिवार के जीवन के दुखों को घटाया करेगा इस करके उस व्यक्ति ने उसकी परिवार की उन्होंने गल लेगी परिवार को डॉक्टर रोहित सक्सेना जिला सचिव के लिए होगा डॉक्टर जमनलाल सक्सेना डायरेक्टर एलएनआर पॉलिटेक्निक अजीत वाल होगा डॉक्टर राजेश मांसल मेंबर एलएनआर होगा श्री अमित शर्मा चेयरमैन अमृतसर कॉलेज अमृतसर डॉक्टर संतोष कमल सिंह एलएनआर पॉलिटेक्निक वाल होगा डॉक्टर स्वर्णी सिंह बराड एलएनआर अजीत वाल होगा श्री सुरेंद्र सिंह अजीत समाचार पत्रकार संतोख संदेश आए हैं वो इस परिवार के नाल दुख शरीक हो धन्यवाद करेगा गुरु ग्रंथ साहब जी फरवरी में समूह संगत फतेह वाहेगुरु जी का दरबार साहब वाहेगुरु जी जिस तरह पहला भी एमएलए साहब ने दसा है सरपंच साहब इस तरीके संबंध मैं काफ़ी लंबा समा सरदार जगविंदर सिंह होरां दे नाल जदों इस पिंड के सरपंच से उन्होंने साथ दे विच रहण दा मौका मिलिया ते मैं समझदा कि जिहड़ा पंद्रह साल का टाइम उन्होंने सरपंची वाला टाइम से वो इस पिंड का एक सुनहरी इतिहास जे असी उस टाइम का उस समय का जिक्र नहीं करांगे तो मैं समझदा कि उन्होंने शख्सियत के सारे पास जो है वो सारे सामने आ रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी लिखते हैं राम दयो रावण क्यो जाको बहु परिवार कहो नानक कुछ फिर नहीं सुपने नौ सुनता बेशक उन्होंने इस संसार इस दुनिया
एक सुपने की गाई प्रदान करता है, पर क्यों प्रदान करता है? क्योंकि उस लोग इस दुनिया में आते रहते तो ये समझ के कि पता नहीं मैं इस दुनिया को कभी जाना ही नहीं, वो इस तरह का कार विहार करते दुनिया में जाके कि वो बाकियों का भी जाना पसंद कर देंगे। इस समाज के जिन्ना भी हो सकता है वो लुट खो होर इधर उधर करके गलत ढंग तरीके वर्त के एक अजीब किस्म का माहौल तैयार करते हैं। सो इस तरह के लोग जोड़े गए उन्होंने ये दर्शाने वास्ते इस संसार के पता करते भी हैं कि एक ना एक दिन सामने हो जाए तो सानू ये जिंदगी है जिन्ना टाइम सानू इस संसार के रहने का मिले है वो समा सानू संसार दो आशय संसार जाना चाहिए है। जो साढ़े गुरु साहबान ने इस महान गुरु ग्रंथ के दर्शन तो मैं समझना कि सरकार महेंद्र सिंह होर ने भावें उन्होंने कोई सिख का धार्मिक लिबास नहीं पहनिया जी, पर उन्होंने अपनी जी जिंदगी है वो गुरु आशय सारी सारी बीती है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार होए हैं शेक्सपियर, उन्होंने इस दुनिया को एक बहुत बड़ी स्टेज दिया है। एक दुनिया बहुत बड़ी स्टेज है, हरेक लोग इस स्टेज के उत्ते आता है अपना अपना रोल अदा करता है तो इस चला जाता है। उस तो बाद जो इंसान है वो रोल अपना अदा करके चला जाता है असं बाहर के उन्हें की रोल अदा किया वह मुलांकन करते हैं वह लिखना जोखना करते हैं कि चंगा कर रहे हैं की माड़ा कर रहे हैं। मैं समझना कि जो सुरदार महेंद्र सिंह होर का इस दुनियावी स्टेज के उत्ते जो रोल है उस समय जो लिखा जोखा करते हैं तो सानू एक माण प्रति सभी महसूस होती है कि उन्होंने जो अपना रोल निभाया है वो परिवार वास्ते भी समाज वास्ते भी एक बहुत शाना मता रोल शाना मता काम करते रहे हर वर्ग वास्ते। जे असी उन्होंने परिवार की गल करिए शुरू तो ही परिवार उन्होंने जन्म वो सरदार बहादुर सिंह सूबेदार जिन्हें कि पिंड बड़ी गांधी शिक्षियत के नाम जाने जाते थे उन्होंने घर के बच्चे बाबा गुरजीत कौर जी को 1940 के उन्होंने जन्म लिया क्योंकि पिता जी फौज सूबेदार से उन्होंने भी थी जो बाहर निकलते थी कि अभी भी अपने बच्चे को बाकी लोगों वाल पढ़ा लिखा के उच्चे अहदे के उत्ते बड़ा अवसर लाए तो सो उन्होंने अपने बच्चे को पूरा मौका पढ़ाई लिखाई दिता तो पढ़ाया है। इन्हों की हालत स्पैशल उन्होंने मुझे घर लाए थे उत्थे इन्हों की पढ़ाई लिखाई का प्रबंध किया वधिया पढ़ाई लिखाई इन्होंने पता उस बाद उत्थे उत्ते सवाल होंगे इंसानों में कि भाई महेंद्र सिंह होर का मन कितने सरकारी नौकरी करने नहीं लगे उन्होंने सोशल कामों को जग के रूप खेतीबाड़ी के कामों को तरजीह दी तो कोई सरकारी नौकरी करना उन्होंने पसंद नहीं किया। हालांकि उन्होंने समय के जो पढ़े लिखे थे जो चाहते कोई भी बहुत बड़ी नौकरी होगी इन्होंने मिल सकती पर इन्होंने किसी किस्म की इस तरह की नौकरी नहीं है वो लेकिन मुनासिब नहीं होती। दो भैनों ने कले भरा से परिवार के बच्चे उन्होंने पालन पोषण किया है एक बहुत ही मैं समझना कि खुशगवार माहौल महसूस होया। इस बाद इन्हों से जोड़ा है जीवन अगला भरा जिसे इन्होंने सोशल काम परिवारिक काम जोड़े थे वो शुरू थे वो शुरू हो जाता है। परिवारिक माहौल इन्हों का शुरू तो ही बड़ा बढ़िया बड़ा खुशगवार है। इन्होंने चार बेटे सॉरी चार बच्चे तीन बेटे दो बेटियां पांच बच्चे
जेडे मैं समझना कि इन्ने आज्ञाकार इन्ने सियाने बच्चे किसी भी परिवार के अंदर मैं तक नहीं देंगे क्योंकि वड्डा बेटा गुरदीप वो सा नौजवान सभा का साथी है सभा के पक्ष तो काम काज के पक्ष तो मैं मेरे को शब्द भी कि मैं उसके काम काज को बयान कर सकता कि कितनी प्यारी शख्सियत का मान से उन्होंने क्रिकेट वास्ते सारे जानते हैं कि कुलदीप का जो है कितना वधिया रोल है समाज में। इस तरह छोटे बेटे रणजीत ते मनजीत बेटियां रणजीत ते गुरदीप ये सारे बच्चे मेरे को हाई स्कूल पढ़े भी हैं चारे बच्चे पढ़ाई के लिए भी करी है आज्ञाकार भी अंदोलन बाकी जिहड़े अच्छे पेरेंट्स अच्छे जिहड़े गुण दुख से बच्चे दूसरे परिवार के बच्चे चाहिए इन्होंने बच्चों के सारे गुण बचपन के मैं देखे जो कि बच्चे उसके स्कूल पढ़ते थे उदों आई सरपंच से मैं आम तौर पर बेटा होर भी स्कूलों में मैं की है तो जिन्ना बच्चों के बाबे जी है किसी अगे का माता कोई अफसर है जिनका कमजोर पर बता है तो उस स्कूलों में बड़ी समस्याव खड़िया करते हैं पर इन्हों बच्चों ने कद भी इस गल का किसी भी अध्यापक साथ नहीं होने चाहिए कि अभी पिंड के मुखी सरपंच के बच्चे है कोई भी कम स्कूल का होना इन्होंने पहला अगे अगे वो कम करते बच्चे स्कूल के बाकी जो स्टाफ मैंबर उन्होंने मदद कर सकते एक आदर्श परिवार सरकारी यूनिवर्सिटी वाला परिवार इस तरह साढ़े भैन जी जितों तक बाई नंबरों का सरपंच बनता एक मतलब मैं समझना है कि इस तरह की कहानी है कि जी साढ़े पेंड निवासियों को साढ़े खास करके जो नौजवान है उन्होंने अगे भी सीध दे सकते हैं ये वालीबाल के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे इतने प्राइमरी स्कूल बैट लगे होता कि शाम को ये वालीबाल खेलने वास्ते जाते होंगे असं उदो बहुत छोटे होंगे जाना होते हैं खेलने खेलने वास्ते तो वालीबाल जो पिंड पढ़े लिखे पहले मुंडे होंगे जो खेलते थे तो अभी पासे बैठे कभी बात करके कुछ करना शाम को इन्होंने वालीबाल खेलने तो बाद उसे बैठ जाना बैठ के गल्ला बातें करनिया सब तो पहला पिंड इन्होंने बाई जी मेजर सिंह होना कोई अंग्रेजी का अखबार आना होता सी अंग्रेजी का अखबार पढ़िया करना उस अखबार के लोग क्योंकि शाम में उसे अखबार आना सी बस के उत्ते अखबार के छोटे बच्चे इन्हें कोई गल्ला बातें सुनिया इन्होंने राजसी गल् होर इधर उठा समाजिक गल् कर कोई अच्छी किताबा पढ़ के आना उन्होंने किताबा बारे गल् कर साढ़े उ बड़ा असर होता रहा सबू भी लगे करे कि जोड़ा कुछ साढ़े व्डे पढ़ते हैं असं भी उस तरह का जोड़ा है पढ़ना लिखना सीखिए सो मैं समझना कि पढ़ने वाले पास अगाम वालीबाल की ग्राउंड के दौड़े कट्ठे होने वाले जो वादी गई जोड़े छोटे स्कूलों में मुंडे पढ़ते थे व्डे स्कूलों में चले जाते रहे तो काफ़ी गिणती जो हो गई तो हौली हौली सारे के मन में यह भी गल आने लगती कि क्यों ना हम सा नौजवान जो है वो समाजिक रजा जो खत्म हो सकन नौजवान नशे तो बच सकन नौजवान खेलों के कह नौजवान पढ़ाई लिखाई के कह इस तरह का एक माहौल सीखा जा सके उस माहौल के इस पिंड की जी नौजवान सभा उसके जन्म लिया ये सत्तर तहत्तर की गल है जो पिंड के जोड़े स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वाले नौजवान मुंडे थे उन्होंने एक सभा बनाई तो मैं समझना कि उस सभा के सरप्रस्त जोड़े ये पहला उसे वालीबाल खेलते साडे सीनियर मुंडे थे जिन्होंने बाई जी मेहनत सिंह भी होंगे थे ये सारे उस सभा के इन्होंने दलों के नाल सरप्रस्त सर उस सभा ने अगर पिंड के जीते तो मैं समझना कि इस पिंड का उस सभा को इन्ना सहयोग मिले पिंड ये पिंड उदो कुछ मैंबर की भी चोन हुई सी पिंड के सब तो वो वोटा लैके पंचायत मैंबर बने उस तो
बाद फिर दोबारा इलेक्शन हुई, उस भी सरपंच की इलेक्शन हुई थी, उस इलेक्शन बसों के सहयोग के कारण, क्योंकि पहली कैंडिडेट जो माहौल है उनका सी जो वजिया काम चुके थे उन्होंने भी मदद करते हुए यूनिवर्सिटी ने दोबारा फिर इन्होंने सिटी जोन के कैंडा सरपंच बनाया। सरपंच सभी से शरदा बिल्कुल ने धनबाद जो इकट्ठे हुए हैं तो सभी सारा जी ये जोड़ी जरूर बनती है कि दो देवता उन्होंने इस नगर के इस पिंड पाने नौजवानों का सहयोग लेके पिंड वे वे काम करने वास्ते एक अच्छा भाईचारे का अच्छा सभ्याचारिक माहौल अच्छा खेडा का माहौल पैदा करने पेंडू इस पास लेके गए थे सानू उन्होंने राह भी लेके चलने की कोशिश करनी चाहिए। एक गल होर जी मेरे ध्यान दे विच आउणी चाहुंदा कि उह समां पिछला समां जदों इहनां दा जिहड़ा सरपंच सी सी उह पंजाब दे विच बड़ा खतरनाक समां सी अतवाद दा दौर चल रिहा सी पंजाब दे विच तां इह इहनां दी वड्डी प्राप्ति सी कि इहनां ने पिंड दे विच किसे वी किसम दा इस तरह दा कोई फेकू माहौल जिहड़ा उह पैदा नहीं होण दित्ता। लोग उस कदिया भाईचारक सांझ जी उन्होंने आपसी उन्नी बना के रखी है कि किसी तरह का लोगों के आपसे लगन पैदा नहीं होती। सो बाकी पहला एम एल ए साहब दस ही गए हैं कि इन्होंने अपने सरपंची ने मीटिंग के दौरान कोई भी केस जो सके वो थाने वगैरह कोर्टियां कोशिश की कि पिंड के जिन्हें भी इस तरह के जो केस है उन्होंने मिली जाए कभी लोग समझे जिस कारण उन्होंने माहौल होर गलत कोई कैंडिडेट पैदा नहीं कर रहा है वो जरूर बने रहना चाहिए। यही श्रद्धांजलि है यही मैं समझा कि एक अजे बुलाए जिन्होंने महेंद्र सिंह के जीवन बारे लिखाया जन्म तो लैके अंत तक मेरा बड़ा दौरा किया साझा किया है क्योंकि मैं भी इन्होंने नाम लिखे जिन्ना समा इन्होंने उन्होंने नाम लिखा है उन्ना ही समा असि लिया है जो इन्होंने बोलिया वो भी बोल रहा है। इस करके मैं जो होर शब्द नहीं बोलता क्योंकि उन्होंने जो भी दसना नहीं करा मैं थोड़े सामने दसता क्योंकि 80% दुख के शरीक होने आए हैं उन्होंने उन्होंने जीवन के जोड़े काम है उन्होंने जिक्र का ढंग से उस बारे नहीं पता थी वो इन्होंने जरा स्पष्ट किया इसलिए जीवन में लोग समाज के कटे होते हैं हम इस अगे तीसरे बुलाए साढ़े को कांगड़े जगरूप सिंह जी साढ़े दरम्यान पहुंचे हैं उन्होंने दर्शन सिंह जी कानपुर राह राजेंद्र सिंह शर्मा राह राजेंद्र शर्मा जी चेयरमैन वाई आर एस पॉलीटेक्निक कॉलेज मोगा सरदार नरेंद्र सिंह गिल मैंबर एल आर मोगा श्री गुरु हरकृष्ण सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसायटी भरूर सरदार सरोज सिंह एम सी भाजपा जिला प्रधान मोगा गुरप्रीत सिंह प्रिंसीपल एल एल आर मोगा मैनेजर पी एन बी ब्रांच मोगा सूबेदार सुचार सिंह संधु वाइस प्रेजिडेंट मोगा जनरल सैकटरी श्रोमणी अकाली दल बादल गवर्नर गोबिंद कौंसलर वार्ड नंबर 9 मोगा चंद्रजीत सिंह बाजवा समूह प्रबंधक कमेटी गुरद्वारा बाबा किशन सिंह नानक लंबी मोगा श्री विजय कुमार गुप्ता चेयरमैन लुधियाना ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अकाली दल लुधियाना डॉक्टर हरजिंदर सिंह अमृतसर हस्पताल मोगा सरदार अमरजीत सिंह चेयरमैन मार्केट कमेटी सरदार दर्शन सिंह हरियाणा सीनियर लीग प्रधान अकाली दल नौजवान सह सभा भरूर पत्रकार भाईचारा बेन सिंह गिल भरूर डॉक्टर परमजीत सिंह सबका स्पोर्ट्स ऑफिसर मोगा श्री ज्ञानचंद शर्मा तत्र के इलाका कमेटी बाघा पुराण डॉ मंगल सिंह नंगा श्रोमणी अकाली दल का मोगा कुलदीप सिंह कांबे पत्रकार सुंदरपाल सिंह इंचार्ज मोगा जी समाचार डॉ हरिंदर सिंह संधु एडवोकेट सबका प्रधान बाल कमेटी मोगा बीबी मुख्तार कौर पत्री चंडीगढ़ चोपा सिंह खेतीबाड़ी मंत्री पंजाब बहुत साढ़े दरम्यान तशरीफ लैके आए हैं।
एएसआई पूल से जो चौकी चार चंपा है जी वो भी आपकी हाइट वाले रहे हैं इतने आपकी कलाकार ले जाइए वो भी हाइट वाले बहुत ज्यादा ये आपकी हाइट वाली है इस प्रकार के नाम इसकी हो गया और मेहता उन्होंने कार्य ढूंढ के लिए बता दे जाए तो अपने समा बहुत हो गया मैं सिर्फ ये गल कहनी चाहना कि मौत एक थान खाली करती है जिना हर संबंधी जिन्हें भी किसी का उस लगाव होता है उन्ना ही खो पैदा है सरकार के दर्शकों के आम रहने नाल परिवार रिश्तेदार नगर इलाके पंजाब में बहुत बड़ा घाटा है मैं इस दुख की कड़ी परिवार के शादी भरना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वालों उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करना कहने भी बहुत सारा कुछ सी पर समा आजाद नहीं मिलता इस करके मैं आगे रहूंगा जय गुरु जी का खालसा जय गुरु कोई चंद्र पास जिला इंतजार की समाचार पत्रकार होगा मैं करूंगा जो तो पहला की को संदेश पढ़ रही दूसरा कह रहा है अकाल पढ़ने गुरु विकेटा बरनला जब भुपेंद्र सिंह मैं समझता हाँ उसे उन्होंने सरदार हरपाल सिंह जो उन्होंने विवाद
ਸਦਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆਪ ਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਸਜਣ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ